दोस्तों, मेरा नाम है योगेश शर्मा। आज मैं आप लोगों को बताने जा रहा हूँ कि एंगुलर 4 का यूज करके आप किस तरीके से सर्विसेज को क्रिएट कर सकते हैं और सर्विसेज आपकी क्या होती हैं। तो चलिए आगे मूव करते हैं और प्रैक्टिकल पार्ट को अपन थ्योरी पार्ट को अपन कंप्लीट करते हैं। सबसे पहले, व्हाट इज इट? यू विल मोस्ट लाइकली रन इनटू अ सिनेरियो इन विच यू नीड टू यूज द सेम कोड अक्रॉस मल्टीपल कंपोनेंट्स। ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज है कि आप क्या कर रहे हैं कि कोई भी कोड है जो आपका डिफरेंट डिफरेंट कंपोनेंट्स के अंदर यूज में आ रहा है, तो आप क्या कर रहे हो, हर कंपोनेंट के अंदर जाके अलग से उसकी कोडिंग कर रहे हो। ये एक बहुत बड़ा टेडियस टास्क हो गया, क्योंकि फालतू का मतलब आपके एफर्ट्स लग रहे हैं, आप कोडिंग कर रहे हैं। तो उसके लिए आप क्या कर सकते हैं, आप एक सिंगल रियूजेबल डेटा सर्विस आप बना के रख लीजिए और उसे इंजेक्ट करा दीजिए डिफरेंट डिफरेंट कंपोनेंट्स के अंदर। तो उससे बेनिफिट ये होगा कि आपने सर्विस तो एक बार बनाई है, लेकिन एक बार आपने कोड किया है, एक बार आपने कोई फंक्शन बनाया और उस फंक्शन को डिफरेंट डिफरेंट कंपोनेंट के अंदर आप उसे कॉल करा के यूज में ले रहे हैं। इट इजी टू यूनिट टेस्ट कंपोनेंट विद ए मॉक सर्विस। आपको यूनिट टेस्टिंग वगैरह अगर परफॉर्म करनी हो तो बहुत ईजी हो जाती है, ठीक है। एंड एंगुलर सर्विस इज सिंपली फंक्शन दैट अलाउ यू टू एक्सेस डिफाइंड प्रॉपर्टीज एंड मेथड्स। यानी कि एक सिंपल फंक्शन है जिसके अंदर जो प्रॉपर्टीज और मेथड्स होते हैं जिनको आप फर्दर किसी भी कंपोनेंट के अंदर आप उसे एक्सेस कर सकते हैं। इट ऑल्सो हेल्प्स कीप योर कोडिंग ऑर्गेनाइज। आपकी जो कोडिंग होगी वो ऑर्गेनाइज वे में रहेगी, तो वो भी आप यहाँ कर सकते हैं दोस्तों। तो चलिए अपन आप प्रैक्टिकल पार्ट पे मूव करते हैं और समझते हैं कि सर्विसेज को हम कैसे क्रिएट करते हैं और कैसे उनको डिफरेंट डिफरेंट कंपोनेंट के अंदर यूज में ले सकते हैं। तो चलिए आगे मूव। तो दोस्तों, इस पर्टिकुलर एग्जाम्पल के अंदर जो मैंने कोडिंग यूज में ली हुई है, वो कोडिंग मैंने ऑलरेडी लिखी हुई है, तो आज मैं इस कोडिंग को लिखने वाला नहीं हूँ। आपको सिंपल एक कॉन्सेप्ट बताने जा रहा हूँ कैसे आप सर्विसेज को क्रिएट कर सकते हैं, क्या कर सकते हैं। तो आपको करना क्या है, अपना इंटीग्रेटेड डेवलपमेंट एनवायरनमेंट ओपन कर लीजिए, ठीक है, जो भी आपका आईडी है। जैसे विजुअल स्टूडियो कोड के अंदर आप काम कर रहे हैं, तो इसके अंदर आपको करना क्या है कि पहले तो सबसे पहले आपको एक सर्विस क्रिएट करनी है, ओके। तो उसके लिए जो कॉन्सेप्ट होता है, आप यहाँ लिखते हैं ng generate service और फिर आपकी सर्विस का नेम। मैं कोई भी सर्विस का नेम दे सकता हूँ, लाइक मैंने यहाँ दे दिया डेटा वन। तो जैसे मैं डेटा वन सर्विस का रेफरेंस दूंगा, तो आप देखें यहाँ दो फाइलें क्रिएट हो जाएंगी, डेटा वन डॉट सर्विस डॉट ts और डेटा वन सर्विस डॉट स्पेसिफिकेशन डॉट ts। तो ये आपकी दो सर्विसेज यहाँ क्रिएट हो गई। इस एग्जाम्पल के अंदर मैं ऑलरेडी एक सर्विस क्रिएट कर चुका हूँ जिसका नाम है डेटा सर्विस डॉट ts, ठीक है। तो मैं आपको इसी के अंदर कुछ चीज़ें बताने वाला हूँ। इसके अंदर आपको करना क्या है कि एक बहुत सिंपल सा कॉन्सेप्ट है, जब भी आप सर्विस क्रिएट करेंगे तो ये सर्विस आपको डिफरेंट कंपोनेंट के अंदर इंजेक्ट करनी है। तो यहाँ पर एक आप देख रहे हैं, एक डेकोरेटर आ रहा है इंजेक्टेबल, ठीक है। ये इंजेक्टेबल क्या है, एक सर्विस बता रहा है कि ये पर्टिकुलर जो सर्विस है, या फिर बोल सकते हैं आप ये जो क्लास बनी हुई है, ये क्लास टाइपस्क्रिप्ट क्लास कहीं पर भी किसी भी कंपोनेंट के अंदर एक्सेस की जा सकती है। तो इसके लिए आपने इसे डेकोरेट किया इंजेक्टेबल के थ्रू, ओके। फिर मैं यहाँ क्या कर रहा हूँ, एक सिंपल सा एक एग्जांपल बनाया हुआ है मैंने यहाँ पर, कि मैं एक एरे बना रहा हूँ पहले, ठीक है ना। हॉबीज के नाम से मैंने एक एरे बनाया जिसके अंदर मैंने तीन वैल्यू पास कर दी, सिंपल एक एरे है। इसी के बाद एक सिंपल सा एक मेथड बनाया जो एक सिंपल एक स्ट्रिंग रिटर्न कर रहा है, इज जस्ट ए सिंपल सर्विस मेथड, ओके। ये ऐसे रिटर्न कर रहा है। अब सबसे पहला जो काम होगा इसके अंदर, आपको करना क्या है, ऐप मॉड्यूल डॉट टी एस के अंदर, यानी कि जो अपना मेन मॉड्यूल होता है आप जानते ही हैं, इस मॉड्यूल के अंदर जाके आपको इस सर्विस का रेफरेंस लेना पड़ेगा। तो आप क्या करें, पहले इंपोर्ट स्टेटमेंट लिखेंगे जिसमें आपने लिखा इंपोर्ट और अपनी सर्विस का नेम दे दिया। जैसे यहाँ एग्जांपल में मैं डेटा सर्विस दे रहा हूँ फ्रॉम डेटा डॉट सर्विस, यानी कि जो पाथ है आपका जहाँ से आपकी सर्विस बनी हुई है उसका रेफरेंस आप यहाँ दे दीजिए। दूसरी चीज आपको यहाँ क्या देनी है, एनजी मॉड्यूल के अंदर या फिर यहाँ इंपोर्ट्स के अंदर, आप देखें यहाँ प्रोवाइडर्स का ऑप्शन आ रहा है, जिस प्रोवाइडर्स में आपको अपना प्रोवाइडर का नेम लिखना है, यानी कि डेटा सर्विस का नेम। यानी कि हो क्या रहा है कि जो आपने डेटा सर्विस बनाई है उसे सबसे पहले आप ऐप मॉड्यूल डॉट टी एस के अंदर इंपोर्ट करा रहे हैं। इंपोर्ट कराने के बाद क्या होगा, ऐप डॉट कंपोनेंट डॉट टी एस पे जाइए, यहाँ पर भी आपको वही सेम टास्क परफॉर्म करना पड़ेगा। आपको करना क्या पड़ेगा, अपने डेटा सर्विस का यहाँ रेफरेंस देना पड़ेगा, ठीक है। रेफरेंस देने के बाद अब आप क्या करेंगे, उन सर्विसेज को एक्सेस करना चाह रहे हैं, तो आप ये जो कोड देख रहे हैं ये सर्विसेज को एक्सेस करने के लिए कोड है। आप यहाँ देखें, सबसे पहले आपने डेटा के नाम से एक वेरिएबल डिक्लेयर कर दिया, एक आपने एरे डिक्लेयर कर दिया। अब करना क्या है, आपको इस कंस्ट्रक्टर के अंदर आपको पहले डेटा सर्विस ऑब्जेक्ट बनाना है। तो डेटा सर्विस ऑब्जेक्ट कैसे बनाऊंगा, एक प्राइवेट मेंबर वेरिएबल या एक्सेस मॉडिफायर का यूज करके मैंने क्या किया, डेटा सर्विस का एक, यानी कि ये जो डेटा सर्विस है इसका एक ऑब्जेक्ट वेरिएबल बना लिया, जिस ऑब्जेक्ट वेरिएबल से मैं डायरेक्टली इसकी प्रॉपर्टीज को एक्सेस कर पाऊंगा। तो एक कंस्ट्रक्टर कॉल होगा ऐप कंपोनेंट का, जैसे ऑब्जेक्ट क्रिएट होगा, यानी कि जो कंट्रोलर क्रिएट हो रहा है आपका, सेम टाइम पर ही आपका सर्विस मेथड कॉल हो जाएगा। सर्विस मेथड के अंदर आपने क्या किया, दिस डॉट आइटम्स एरे, यानी कि करंट आइटम एरे को आपने दिस डॉट डेटा सर्विस, यानी कि इस ऑब्जेक्ट के थ्रू हॉबीज को कॉल कर लिया, जो आपने ऊपर वहाँ एरे बनाया हुआ था। अगर मैं आपको दोबारा दिखाना चाहूँ, तो ये हॉबीज के नाम से आपने एक एरे बनाया हुआ था, इसी एरे को आप एक्सेस कर रहे हैं। सेकंड जो होगा, मैं सर्विस मेथड को एक्सेस करूंगा। तो सर्विस मेथड को एक्सेस मैं कैसे कर पाऊंगा, अब यहाँ देखें, दिस डॉट डेटा इक्वल टू डेटा सर्विस डॉट सर्विस मेथड, ठीक है। तो ये क्या कर रहा है, पॉपुलेट कर रहा है डेटा वेरिएबल को और ये आइटम्स एरे को।
जब ये पॉपुलेट हो जाते हैं, एक चीज और आपको यहाँ ध्यान रखनी है, जो प्रोवाइडर्स के अंदर आपको अपना प्रोवाइडर का नेम जरूर से देना है, डेटा सर्विस का नेम आपने यहाँ दे दिया, नहीं तो ये एंगुलर 4 के अंदर एरर देगा, ठीक है। एंगुलर 2 के अंदर चल जाएगा, लेकिन एंगुलर 4 के अंदर ये इंजेक्ट करना जरूरी है। इंजेक्ट करने के बाद अब आप उस डेटा को रीड कर सकते हैं। लाइक मैंने यहाँ लिखा हाई डेटा, यानी कि डेटा की वैल्यू मैंने गेट कर ली जो आपने यहाँ पॉपुलेट की हुई है। और दूसरा मैं क्या कर रहा हूँ कि जो मैंने आइटम्स एरे बनाया हुआ है, ठीक है ना, जो मैंने एक यहाँ एरे बनाया था उस एरे की वैल्यू को रीड कर रहा हूँ यूजिंग द ng4 में let h of items array, ये items array को get कर लिया और h की value को यहाँ print करा दिया। तो अगर मैं इस program को अब execute कराता हूँ तो आप देखेंगे कि जो आप output चाहते हैं, यानी कि service के अंदर जो आपने hobbies को बनाया हुआ था, ठीक है, sorry, यहाँ आपको लिखना पड़ेगा ng serve, जो आपने वहाँ बनाया हुआ था उसी को आप यहाँ कॉल कर रहे हैं। तो आप देखें ng serve ओपन करेंगे तो आपको यहाँ आउटपुट में जो भी डिजायर्ड आउटपुट है वो आपको मिल जाएगा। तो आपने एक सर्विस बनाई जिसके अंदर आपने एक मेथड डिक्लेयर किया और जिसके अंदर आपने एक आइटम्स एरे का यानी हॉबीज के नाम से एक एरे क्रिएट कर लिया जिस एरे की वैल्यूज को आप यहाँ पर रीड करने जा रहे हैं। तो आप देख सकते हैं इट्स जस्ट ए सिंपल सर्विस मेथड, एक मैसेज आ रहा है जो आपने मेथड के अंदर डिफाइन किया हुआ था और ये एल आई एलिमेंट्स हो गए, या फिर बोले कि जो आपने एरे बनाया हुआ था उस एरे के एलिमेंट्स हो गए जिनको आप रीड करके ला रहे हो। तो ये एक सिंपल सा एक एग्जांपल था। अगर आपको इसका कोड चाहिए हो तो ये मेरी वेबसाइट पे आप विजिट कर सकते हैं stdpyogesh.net.com, और यहाँ जाके जो लिंक है एंगुलर 4 ट्यूटोरियल में जाएंगे तो आपको ये लिंक मिल जाएगा। मैं डिस्क्रिप्शन के अंदर भी ये लिंक आपको प्रोवाइड करा दूंगा, तो आप वहाँ जाके इसे देख सकते हैं। जो भी कोड मैंने किया हुआ है वो पूरा कोड आप यहाँ देख सकते हैं। दोस्तों अगर मेरा ये वीडियो आपको पसंद आया तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। मैं काफ़ी सारे वीडियोस इसी के ऊपर एंगुलर 4 के अंदर बनाने जा रहा हूँ, और एक हम डमी प्रोजेक्ट भी लेंगे जो ASP.NET MVC और एंगुलर 4 का कॉम्बिनेशन होगा। थैंक यू वेरी मच।